दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों शुभमन गिल की धाकड़ बल्लेबाजी, राशिद खान के चमत्कार और राहुल तेवातिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ साथ उन्हीं की एक छोटी सी गलती आज चेन्नई को आईपीएल का पहला मुकाबला हरवा गई। कैसे अंतिम ओवर में दोस्तों धोनी की चेन्नई इस मुकाबले को हार गई, आपको सब कुछ दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का सांस रोक देने वाला पहला मुकाबला ही कुछ ऐसा था कि सबने दांतों तले उंगलियां चबा ली। इस बेहद ही खतरनाक मुकाबले की शुरुआत दोस्तों पांड्या के टॉस जीतने के साथ हुई। टॉस जीते पहले गेंदबाजी चुनी और धोनी भी यही करना चाहते थे। लगता है कि दोस्तों अहमदाबाद के इस मैदान में गेंदबाजों को खासा मदद मिलती है और यह साबित भी हो गया। पांड्या ने दोस्तों आते ही अपनी टीम की तरफ से शमी को गेंदबाजी थमाई और दोस्तों शमी ने निराश नहीं किया। दूसरे ही ओवर में उन्होंने विकेट दिलाया डेवॉन कॉनवे का, उन्हें एक रन पर आउट कर दिया। इसके बाद दोस्तों चेन्नई की टीम के कुछ एक खिलाड़ियों ने अच्छी बैटिंग करने का प्रयास किया लेकिन फ्लॉप रहे। लेकिन केवल एक खिलाड़ी को छोड़कर जो आज 10 के बराबर बैटिंग करके गया, जी हां दोस्तों मृदुराज गायकवाड़ की ही तो बात कर रहे हैं। इस दोस्तों छोटी हाइट के बल्लेबाज ने आज बड़े बड़ों को धराशायी कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने दोस्तों 23 गेंदों के अंदर चौके व छक्कों की बारिश करते हुए 50 रन जड़ दिए थे। और ऋतुराज गायकवाड़ केवल यही नहीं रुके, ऐसे ही इनका तूफान जारी रहा। उफान पर बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने सामने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो खुद कप्तान पांड्या हो या राशिद खान, हर किसी को उन्होंने प्रसाद में चौके व छक्के खूब जमकर बांटे। 50 गेंदों में दोस्तों इस खिलाड़ी की पारी 9 छक्के व 4 चौकों की मदद से अपनी टीम के लिए 92 रन बना गई, जिसके चलते चेन्नई की टीम दोस्तों 150 के आसपास तो पहुंच गई थी। मोइन अली ने भी 23 रन लगाए लेकिन अफसोस उनके अलावा और कोई कुछ खास कर नहीं पाया, चाहे वो जडेजा हो, बेन स्टॉक्स हो या फिर शिवम दुबे ही क्यों ना हो, हर कोई खिलाड़ी 10, 12 या 19 रन पर आउट हो चुका था। सबकी निगाहें धोनी पर थी और उन्होंने वही किया जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती है। अंतिम ओवर में धोनी आए और छक्का व चौका लगाकर एक ऐसा शो स्टॉपर परफॉर्मेंस दिया जिसकी हर कोई वेट कर रहा था। खैर दोस्तों चेन्नई की टीम 178 पर पहुंचती है और विरोधी टीम को लक्ष्य मिलता है 179 रन का। जाहिर सी बात है लक्ष्य छोटा था नहीं और इसे चेस करने के लिए अब चेन्नई की टीम के आगे जीटी की टीम को एड़ी चोटी का जोर लगाना था। और दोस्तों कहना पड़ेगा पांड्या के शेर पंजा मारने के लिए तैयार थे। दोस्तों मैदान में ओपनिंग कर रहे रिद्धिमान साहा जो इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है और तेज तर्रार बैट्समैन है, उन्होंने गिल के साथ ऐसा तालमेल बिठाया कि चौथा ओवर खत्म नहीं हुआ था लेकिन स्कोरबोर्ड पर 40 रन लग चुके थे। और दोस्तों फिर मिलता है चेन्नई की टीम को पहला ब्रेकआउट यानी कि पहला विकेट। राजवर्धन हंगरकर दोस्तों 16 गेंदों में 2 छक्के 2 चौके लगाकर रिद्धिमान साहा को 25 रन पर चलता कर देते हैं। इनकी गेंद पर दोस्तों ये खिलाड़ी शिवम दुबे को कैच थमा बैठता है। लेकिन अभी भी चेन्नई की टीम के लिए जीत का कांटा सबसे बड़ा था मैदान में मौजूद शुभमन गिल के रूप में। और दोस्तों गिल तो आज किलिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे। यकीन मानिए ये वही शुभमन गिल है जो हाल फिलहाल में भारत की तरफ से ज्यादा अच्छे नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों शुभमन गिल को जैसे ही साई सुदर्शन का साथ मिला ना जाने उन्होंने किस रफ्तार से रन बनाने शुरू कर दिए। 36 गेंदों के अंदर दोस्तों इस खिलाड़ी ने 200 के स्ट्राइक रेट को अपनाया, 6 चौके लगाए, 3 गगनचुंबी छक्के चढ़े और देखते ही देखते 63 रन बना दिए थे। 210 ओवर के अंदर अब गुजरात की टीम 90 रन पर पहुंच गई थी और जीत बहुत ज्यादा आसान लग रही थी। लेकिन तब तक जब तक दोस्तों कप्तान का विकेट नहीं गिरा, साई सुदर्शन का विकेट नहीं गिरा। दोस्तों सुदर्शन 22 रन तो पांड्या 8 रन पर आउट हो गए थे। 15 ओवर बीत चुके थे, 138 स्कोरबोर्ड पर लगे थे, अंतिम ओवर को जाने वाले थे लेकिन गिल की परफॉर्मेंस गुजरात की टीम की जीत पर मोहर लगा रही थी। तभी आता है धोनी का वो फैसला जो पूरे मैच को पलट कर रख देता है। पारी के 15वें ओवर में दोस्तों तुषार देशपांडे गेंदबाजी कर रहे थे और गिल की फॉर्म कुछ ऐसी थी कि वो हाल फिलहाल में उन्हें 6 लगा के गए थे। लेकिन तभी तुषार देशपांडे के पास आते हैं दुनिया के सबसे चतुर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जिसके बाद दोस्तों धोनी ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि शायद उन्हें धीमी गति की गेंद डालनी चाहिए, वो भी शॉर्ट गेंद। दोस्तों तुषार देशपांडे अगली गेंद पर धोनी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, गेंद की रफ्तार भी कम करते हैं और शॉर्ट गेंद में तब्दील करते हैं, जिसके बाद वो बड़ा शॉट तो खेलते हैं शुभमन गिल, लेकिन बाउंड्री पर तैनात ऋतुराज गायकवाड़ इस कैच को छोड़ते नहीं। आखिरकार 63 रन पर दोस्तों गिल का शिकार हो ही जाता है और यहां से जग जाती है दोस्तों चेन्नई की टीम की जीतने की उम्मीदें। 4 विकेट दोस्तों गिर जाते हैं गुजरात के और जिताने वाले 2 खिलाड़ी होते हैं राहुल तेवातिया साथ ही विजय शंकर। इन दोनों के हाथ में जीत की बागडोर होती है, रन्स भी ज्यादा नहीं चाहिए होते। 23 गेंदों में मात्र 33 रन चाहिए होते हैं दोस्तों गुजरात की टीम को जीतने के लिए। जिसके बाद दोस्तों पारी के 18वें ओवर में एक छक्का जरूर लगता है हैंगरकर को लेकिन जाते जाते वो विजय शंकर का विकेट ले जाते हैं। ऐसे में दोस्तों चेन्नई और गुजरात एक दूसरे को कड़ा कंपटीशन दे रही होती हैं, लेकिन बचते हैं अंतिम 2 ओवर और तभी दोस्तों धोनी से वो गलती हो जाती है जो शायद ना होती तो आज मुकाबला उनका होता।
19वें ओवर में दोस्तों यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ओवर में वो बुलाते हैं दीपक चहर को, और दीपक चहर जो आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, आउट ऑफ द फॉर्म ही गेंदबाजी कराते हैं, जिसका नतीजा दोस्तों ये रहता है कि राहुल तेवातिया उन्हें चौका जड़ते हैं, राशिद खान उन्हें सिक्स लगाते हैं, और इसी ओवर में एक और चौका जड़कर राशिद खान 3 गेंदों में वो 14 रन पूरे कर देते हैं, जो जिताने के लिए पर्याप्त थे दोस्तों गुजरात की टीम को। अब 6 गेंदों में 8 रन चाहिए थे, ऐसे मौकों पर कौन ना जीते। धोनी तुषार देशपांडे को बुलाते हैं, और दोस्तों अंतिम ओवर में राहुल तेवातिया 2 गेंदों से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते। पहली गेंद पर यह तूफानी खिलाड़ी लगाता है छक्का, तो अगली पर चौका जड़कर गुजरात की टीम को इस मुकाबले में 5 विकेट के अंतर से जिता देता है। तारीफ दोस्तों बनती है राशिद खान और तेवातिया की भी। धोनी के सामने अंतिम ओवर में मुकाबला जीतना शेर के मुंह से निवाले छीनने से कम नहीं है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आज धोनी का गलत गेंदबाजी सिलेक्शन अंतिम ओवरों में भारी जरूर पड़ गया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है चेन्नई की टीम की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है, पांड्या या कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।